हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ मिट्टी के गणेश जी बनाना आपको सिखा रहा हूँ। ये इस तरह से गणेश जी बने हुए हैं मेरे पास और इनको पेंट करना बाकी है। अब कैसे बनाना वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपको सबसे पहले एक ऐसा बॉल सर्कल बनाना है, ये इस तरीके से पूरा वो ओवल शेप बॉल जैसा हो जाना चाहिए, है ना। और मैंने यहाँ वेस्ट एक स्टैंड जैसा लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। और मैं इनको यहाँ पर ऐसे रखूँगा पहले, और यहाँ से ऊपर से थोड़ा फ्लेट हम प्रेस करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे एक और बिल्कुल बॉल जैसा सर्कल जैसा बनाना है और उसको ओवल शेप देना है। जैसे ये बनाया है ओवल, तो उसको हमने ऐसा ऐसे हाथ से करना है। फिंगर पहले आटे की तरह जो रोटी बनाते हैं वो आटे की तरह उसको बनाना है, और इस तरह से ओवल शेप जैसा बनाना है। और जैसे हम प्रेस करेंगे उसको अच्छे से तो वो बढ़िया हो जाए, और इसको हमको यहाँ रखना है, ठीक है। और थोड़ा सा हमारी फिंगर पे पानी लेना है और पानी से इसको मैच करना है। हम इस पर और मिट्टी लगा के भी कर सकते हैं बीच में, और यहाँ ऐसे फिंगर को पानी से मैच कर सकते हैं। इसको फिनिश अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी थोड़ा सा पानी लगा के करेंगे तो, ठीक है। और बीच में यहाँ पे थोड़ा सा फिंगर से हमको प्रेस करना है इस वाले हिस्से पे जहाँ हम का चेहरा लगाएंगे, तो हर पार्ट को एक के ऊपर एक टिकाने के लिए हमको अच्छे से व्यवस्था करनी है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद हमने जो बॉल जैसा बनाया था सर्कल का, इसको भी यहाँ पानी लगा के थोड़ा सा, और इसको आगे से इस तरह से करना है। जो इनका मुंह बनाएंगे हम वो यहाँ पे रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको यहाँ इस तरह से मिक्स करना है। हम इनको ऐसे फेविकोल वगैरह किसी चीज़ से चिपकाना नहीं है, ग्लू से ही सारा काम करना है। ये चाहे तो बोल जो पेट वाला हिस्सा है हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं बड़ा, मैंने यहाँ छोटा लिया है, आप और बड़ा ले सकते हैं। और कोई पार्ट अगर आपको छोटा बड़ा दिखता है तो हम उसको पानी लगा के प्रेस करेंगे तो वो सही से हो जाएगा। फिर हमको बनाना है इनके कान, तो मैंने यहाँ पे ऐसे बना के रखे हुए हैं तैयार पहले से। आपको भी इसी तरह से हर पार्ट को एक ड्राइंग बना ले चाहे तो, उस पार्ट को बना के तैयार रखें जिससे कि समय कम लगे। एक एक पार्ट को हम एक एवरेज ले लें कि इस साइज का बनाना है, फिर ऐसे पानी लगा के उसको हम अच्छे से प्रेस करके सुंदर बना सकते हैं। दूसरा एक और लिया है जो मैं यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ कुछ छोटा बड़ा बना है, इसको हम प्रेस करके एक जैसा कर सकते हैं। मैं वीडियो को छोटा बनाने की कोशिश करूँगा जिससे आप जल्दी समझ जाए, और उसको प्रेस करके आप इक्वल कर सकते हैं दोनों कान को, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर हम बनाते हैं इनके लेग्स। लेग्स में मैंने यहाँ इस तरह से रोल बनाया है, इसको मैं यहाँ से ऐसे फोल्ड करूँगा तो देखो यहाँ से ये क्रैक हुआ है मिट्टी, तो हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे और दबा के फिर दोनों साइड से इस तरह प्रेस करेंगे। और ये यहाँ पे एक पांव ऊपर रखना नीचे रखना आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी इनको रख सकते हो, और पीछे से साइड से ऐसे दबाना है, और वही प्रोसेस जो पेस्ट करना है ऐसा आप जो ये बनाया है वैसा एक और बनाना है। पहले इसको आप ऐसे प्रेस करते करते इसको एक जैसा करना है, ठीक है। फिर दूसरे वाले को ऐसे ही फोल्ड करना है, वो भी क्रेक होगा, तो फिर हम दोनों साइड से दबा के उसको इस तरह से कर देंगे प्रेस। इसमें हमको पानी बहुत कम लगाना है, ये बात ध्यान रखना है, नहीं तो मिट्टी जो है क्रेक हो जाएगी। यदि हम इसके एक और पाँव रखना चाहें तो कर सकते हैं ऐसे पाँव या ऐसे पाँव, मैं फ़िलहाल ऐसे कर देता हूँ। और यहाँ नीचे से इनका पंजा वाला ऐसा फोल्ड कर देता हूँ, इसको भी हम चिपका देते हैं। आपको जिस शेप में बिठाना है, इनको सोते हुए दिखाना है, पहले आप पेंसिल से इसका एक बेसिक स्केच बनाइए पेपर, उसके अकॉर्डिंग देख के आप कर सकते हैं। जितनी भी आप फिनिशिंग देना चाहें वो दें, जितना फिनिश करेंगे उसको उतना ये सुंदर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है इनके
मुंह पे सूंड वाला। उससे पहले हम क्या करेंगे, इनके हाथ बनाएंगे यहाँ पे ऐसे, मिट्टी जो मैंने बताई वो, और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। जैसे आपको हाथ का मूवमेंट देना है वैसे हम दे सकते हैं। मैं यहाँ बालकनी में बैठा हूँ, बहुत सी हवा चल रही है तेज, उसको जल्दी जल्दी बनाना होगा। दूसरा हैंड भी हम यहाँ पेस्ट करेंगे इस तरीके से, और इसको भी इस तरह से मोड़ करें। हर चीज़ को, पार्ट को हमको धीरे धीरे करना है, ध्यान रखना है। इनके हाथ को ऐसे आशीर्वाद जैसे दिखाना है इस तरीके से, और यहाँ प्रेस करना है ऐसे, प्रेस करके इस तरीके से उसको करना है। और यहाँ पे ये जो आशीर्वाद देते हुए हाथ को दिखाना है, पूरा फिनिश अच्छे से फिनिशिंग करना है। उसके बाद इसको ये ऐसे प्रेस करके बीच में यहाँ पे छेद जैसा करना है, जिससे कि ये यहाँ अच्छे से हम उसको प्रेस कर पाए इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से चाहे जिधर हम मोड़ सकते हैं उसको, मैं इस तरीके से मोड़ूंगा जिससे इनकी चेहरे पे और सुंदरता है। ऐसे प्रेस करके इनके फेस को और सुंदर करना है हमको। इनमें इनके हाथ में लड्डू का हम टोकरी बना के भी लगा सकते हैं, मैं वो भी नहीं लगा रहा हूँ। इस तरीके से बना सकते हैं, लगभग हमारे जो गणेश जी बन चुके हैं। और इनके मुकुट जो है वो हम पेपर से डेकोरेशन करके लगाएंगे तो वो और ज़्यादा सुंदर होगा। इसी तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ गणेश जी बने हुए, देखो ऐसे भी डिफरेंट बना सकते हैं, ये इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। यहाँ इनका पेट का हिस्सा और बड़ा कर सकते हैं जैसा आप चाहें, और पानी से ऐसे फिंगर से यूज़ करके उसको फिनिश करेंगे। उसके बाद इसे पूरा सूखने के बाद पूरे को वाइट पेंट करेंगे। वाइट पेंट करने के बाद में हम चाहें वैसा कलर कर सकते हैं, स्किन कलर करना है, ऑरेंज कलर करना है, इनको क्लोज से डेकोरेशन करना है उस तरह से। आपको ध्यान रखना है सिर्फ पानी कम यूज़ करना है जिससे कि ये क्रेक ना हो। तो ठीक है डियर फ्रेंड, आप ट्राई करें और मेरे साथ शेयर करें।